उज्जैन में हिजाब के समर्थन में हनुमान मंदिर के पास चिपका गया पोस्टर शरारती तत्व की करतूत धर्म विशेष की महिलाओं पर की थी। अभद्र टिप्पणी नगर पुलिस ने किया पोस्टर जब्त। पूर्व में हम लोग कई बार इस विषय को उठा चुके हैं कि पास में जो विक्रम विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल है वहाँ पर कुछ कश्मीरी मुसलमान लोग जो जिहादी तत्व हैं पीएफआई के लिए काम करते हैं, उनका रोज वहाँ पर रात को 9 बजे के बाद आना, दारू पीना, गांजा पीना, इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। तभी यहाँ पर थाने पर आकर हमने टीए साहब का अवगत भी कराया है, उसमें टाइमी हुई है, लेकिन हमारी मांग है उनको जल्द से जल्द, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो उनमें जल्द से जल्द उसको चिन्हित करके उनको पकड़े, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो, जिससे आगे कभी भी भविष्य में उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में इस तरह हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ कोई ऐसे अभिशोभनीय टिप्पणी न करे। भोपाल में कांग्रेसी ने बूट पॉलिश कर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध, देश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किया घेरा। आज हम सभी युवा साथी, ये युवा कांग्रेस के सभी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं बूट पॉलिश करके, सिर्फ इसलिए ये सारे युवा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश की आज पहचान बेरोजगारी पर और आत्महत्या पर हो रही है। हम सब इतने प्रताड़ित हो चुके हैं रोजगार के नाम पर प्रदेश में कि आज हमें यहाँ पे बूट पॉलिश करना पड़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि अगर प्रदेश में हम पढ़ लिख करके 10 लाख 15 लाख रुपए लगा करके शिक्षित बेरोजगार बने घूम रहे हैं तो सरकार हमारी आवाज को सुने। भोपाल के अशोक गार्डन इलाके में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास का मामला, पुलिस ने अधेड़ उम्र के आरोपी को किया गिरफ्तार। बालाघाट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बावन मवेशियों को तस्करों से मुक्त कराया, जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। गैलेक्सी होटल के पास से मॉर्निंग वॉक कर रहे युवक को स्कूटी सवार दो युवकों ने मारी टक्कर, तीनों को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में किया गया भर्ती। उज्जैन के पड़नगर में पुलिस की कार्रवाई, शराब तस्कर को गिरफ्तार कर 7 लाख का सामान किया गया जब्त, आगे की कार्रवाई जारी। राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी उत्तम जी महाराज नर्मदा समर्पण यात्रा के माध्यम से पुण्य सलीला मां नर्मदा की 6 माह की परिक्रमा पर निकले। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान के अनुजे नरेंद्र सिंह चौहान और पूर्व कैबिनेट मंत्री तपन भौमिक भी यात्रा पर। डबरा के आदिनाथ मैरिज गार्डन में दुल्हन के गहने ले उड़े बदमाश, मैरिज गार्डन में नहीं लगे थे सीसीटीवी कैमरे, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्राउन शुगर के 7 आरोपी को किया गिरफ्तार, बनारस से ब्राउन शुगर लेकर आया था आरोपी। कोरिया में शराब तस्करों को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता, 296 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की तरफ से इनोवा गाड़ी में शराब को ले जाया जा रहा था अलग तरफ से छत्तीसगढ़ में छपाने के लिए, उसी में पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया गया है और कुछ बड़ी की रहा अहमदनगर में इनोवा गाड़ी में अंग्रेजी शराब कुल 296 लीटर शराब को पकड़े हैं, जो लगभग 2,25,000 के आसपास का है और एक इनोवा गाड़ी थी जिसमें से 2 आरोपी। में बाइक चलाती लड़कियों का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि भोपाल में हिजाब पहनकर बाइक पर स्टंट का वीडियो कब का है, मुझे इस तरह की बात शोभा नहीं होती। आपका जो बयान है ये महिलाओं की गरिमा और शालीनता के एकदम प्रतिकूल है, ऐसी मेरी मान्यता। भिंड देहात थाना प्रभारी राम बाबू यादव ने कई लूट एवं चोरी के 2 आरोपियों को घर दबोचा, आरोपी के नाम इस्माइल एवं हीरा बताए गए हैं, जिनके कब्जे से चोरी और लूट किए गए। यहां पर देहात थाना अंतर्गत 2 लूटे हुई थी जिसमें महिलाओं के गले से मंगलसूत्र और चैन वगैरह छीनी गई थी, इसी वजह से थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में जब इसकी तफ्तीश की गई और
रायसेन जिले के बेगमगंज में प्राकलन समिति की हुई बैठक, बैठक में बिना सिंचाई परियोजना सहित नल जल योजनाओं एवं विभागीय गतिविधियों पर की गई चर्चा। वरिष्ठ सदस्यगण समिति के पधारे और समिति अधिकारी पदाधिकारी सभी मौजूद हैं। कई दिनों से ये संशय की स्थिति थी, किसान कहते थे हमको मुआवजा नहीं मिला, तो मुआवजा देने की तारीख हुई, समय सीमा 6 महीना निश्चित कर दी गई है। सज्जन वर्मा के बयान पर पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा का पलटवार, बोले सज्जन वर्मा और राजवीर सिंह बघेल ने नगर के विकास को किया बाधित। शर्मा जी नमस्कार, दो दिन से लगातार अखबारों के माध्यम से आपके बयान पढ़ रहा हूँ, जिसमें आपने संकट में के बारे में कहा कि संकट की राजनीतिक दुर्दशा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, दूसरा आपने कृपा के बारे में। तो पहले बात हो जाए संकट। अनूपपुर जिले के कोतमा रेलवे स्टेशन पर हादसा, मालगाड़ी के पास डिब्बे पटरी से उतरे, कोयले से भरी थी मालगाड़ी, मुख्य रेल लाइन टूटने से हुआ हादसा। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की विधायक सुनीता पटेल ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ खुला मोर्चा। गाडरवारा में रेत का अवैध उत्खनन, अवैध इसलिए बोल रही हूँ कि जो खदान स्वीकृत है उसके अलावा क्षेत्र में जितनी भी जगह रेत है वो वहाँ से निकाली और बेची जा रही है। गाडरवारा से रेत रेल में भरकर, ट्रेन में भरकर दूसरे राज्यों में भेजी जा रही। रायगढ़ में तेज रफ्तार कार चालक ने कई लॉगिन को कुचला, वही भागने की कवायद में कई और चपेट में आते आते बाल बाल बच गए। कार चालक को कार सहित थाना ले जाया गया, जहां और तेज रफ्तार से आया और वहां लोगों को कुचलते तेज रफ्तार से निकल गया, लोगों में वहां वही हो गया, लोग नाराज हो गए, नाराज हो गए। पुलिस को सूचना फिर कैसे दी? 112 को बुलाए हम लोग, 112 वाले आए। रायसेन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत, वह सुल्तानपुर नगर परिषद के सामने ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था। उज्जैन जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है, सुबह घना कोहरा छाया रहा, इससे सर्दी का एहसास भी अधिक रहा। मौसम के उतार चढ़ाव ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि रीवा में कुछ नई ट्रेनों का विस्तार हो, वे लगातार रेल विभाग के वरिष्ठ लोगों के साथ संपर्क में। अंचल एक्सप्रेस को दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ चलाया गया, यही मान लिया उन्होंने। भोपाल हवाई स्टेशन पर बैटरी चालित वाहन चलाया गया, जिससे यात्री ट्रेन तक सुविधापूर्ण पहुंच सके। रीवा से मुंबई के लिए वर्तमान में कोई ट्रेन नहीं है। गरीब रथ एक्सप्रेस तो जबलपुर तक आती है, जबलपुर में दिन भर खड़ी रहती है, उसे रीवा तक चलाया गया। इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली ट्रेन 2295 में ओवरनाइट एक्सप्रेस को रीवा तक चलाया गया। रीवा से आनंद विहार नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन इलाहाबाद होकर जाती है, जबकि उसी समय इलाहाबाद से 3 अन्य ट्रेनें दिल्ली के लिए हैं, इसलिए उस ट्रेन को बांदा झांसी ग्वालियर होकर गुजरात हजरत निजामुद्दीन तक चलाया गया। बोरेला पेंडा मरवाही में जिला प्रशासन ने स्कूलों को फिर से खोलने का लिया फैसला, 9 फरवरी से संचालित होने जा रही हैं निजी और सरकारी स्कूल। जिले में कांग्रेसियों द्वारा सीएम शिवराज की अर्थी पर बवाल जारी, पुलिस और मिर्ची बाबा के समर्थकों के बीच हुई झड़प, पुलिस फोर्स शहर की सड़कों पर तैनात। यदि एक महीने के अंदर गौ माताओं की व्यवस्था नहीं की गई, तो हम लोग इसी तरह से जनव्यापी आंदोलन इसको बनाएंगे और सड़कों पे ही नहीं घर घर में लोगों को जाकर गौ माता के प्रति जगाने का भी काम करेंगे। नूराबाद थाना क्षेत्र के लौलकपुर गांव में पुराने विवाद के चलते पक्षों में चली गोलियां, एक पक्ष के 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। युवक की गाड़ी खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई, उपचार के दौरान युवक की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिवार को सौंपा।
डिंडोरी नगर के नर्मदा नदी के मुख्य घाट पर नर्मदा मंदिर के सदस्यों द्वारा नर्मदा माँ की महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर रत्नाकर झा, पुलिस अधीक्षक संजय सिंह, डिंडोरी विधायक सहित मौजूद। सीताबेड़ी के जंगल में अतिक्रमणकारियों ने किया हमला, चार गाड़ियों के कांच टूटे, वन कर्मियों ने जान बचाने के लिए की हवाई फायरिंग। छात्र की फांसी लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज होने पर यादव समाज ने जताया विरोध, सैकड़ों लोग झूठी एफआईआर के विरोध में एसपी से मिलने पहुंचे। आर्मी की भर्ती दे रहे युवाओं ने उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन, लिखित परीक्षा और नियुक्ति की मांग, बीते एक साल से नहीं हुई लिखित परीक्षा। हम सभी युवा और आज जो तैयारी करें, मेहनत करते हैं, हमें दो तीन साल हो गए भर्ती नहीं आती, हम जब तक मेहनत करते हैं हमारी तैयारी चलती रहती है, जब टाइम आता है तो फिर भर्ती कैंसिल हो जाती है और बहुत टाइम से युवा परेशान है भर्ती के लिए और उनकी परीक्षा हो जाती है, फिजिकल पास हो जाता है आर्मी तो रिटर्न के लिए अभी तक का सबसे पहला है रिटर्न है जो इतना लंबा गया है, बाकी तीन महीने में एग्जाम हो जाती है कैसे भी करके, इस बार सबसे लंबा गया, युवा परेशान हो गया है और एज में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर तीन मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल की बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे चोर। जिले को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, युवक को निर्वस्त कर मारपीट कर सड़क पर घुमाया गया, वीडियो हुआ वायरल। थाना कुक्षी मिनिस्टरपुर चौकी में 5 तारीख की घटना है, इसमें एक छेड़छाड़ की घटना रिपोर्ट हुई थी और कुछ लोगों ने जो आरोपी है उसके साथ मारपीट की थी। इस प्रकरण में 354 का मुकदमा कायम किया गया है, उसके अलावा जिन लोगों ने मारपीट की थी वो 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, उनके खिलाफ उसी दिन मुकदमा कायम कर लिया गया था, पुलिस आगे निकाल रही है। बाघ के हमले से नर शावक हुआ घायल, सूचना मिलते ही तत्काल क्षेत्र संचालक सहित पार्क अमला ने मौके पर पहुंचकर नर बाघ शावक का किया रेस्क्यू। आज टाटा गश्ती दल को गढ़पुरी पीठ के कक्ष नंबर 370 के पास राजस्व क्षेत्र में पहुंचने के अंदर एक नर बाघ शावक घायल अवस्था में दिखाई दिया, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए चैनलिंग फेंसिंग काट के मानव रेस्क्यू दल द्वारा शावक का रेस्क्यू किया गया और पठान रेस्क्यू केंद्र में ले जाकर उसका प्राथमिक उपचार किया गया। राजगढ़ में तहसीलदार पर हमला करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था आरोपी, पुलिस ने पहले ही घेराबंदी कर धरना पूछा। ग्वालियर में पति से परेशान होकर पत्नी ने थाने में की शिकायत, पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पाए जाने से उसमें लिया गया है।